मेरा बेटा भी लॉ पढ़ रहा है, एनालिसिस बैंगलोर में पढ़ रहा है। एक बार वो प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा उनका मन। यू आर ऑल्सो इन द कोर्ट, अभी अपना कर अभी मनिंदर जी का तो वाइफ दिल्ली हाईकोर्ट में जज भी हुई है। दो साल का समय था, वी वर्क वेरी क्लोजली। मेरा साल काफी फिर ऑफकोर्स जब सी एम भी बना मैंने फोन करके आपसे बहुत सारा सिग्नल भी दिया एंड आई यूज टू कीप हिम मीटिंग इन पार्लियामेंट। तो हमने जो है ऑफकोर्स सबको एनीथिंग देखिए फी फेज में सरकार बन चुका है, सिक्स और सेवन फेज बढ़त का फेज है। तो मेरा लगता है कि हम लोग तेजी से 700 का ओर जा रहा हूँ। देखिए अभी तेजस्वी का गाना गाने का सिवा और क्या काम रह जाएगा। सरकार बीजेपी का है, चुनाव 2027 में है, जेडीयू बीजेपी का अच्छा सरकार है, दिल्ली में मोदी जी सरकार चलाएगा, तो तेजस्वी को तो गाना ही गाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए अच्छा हुआ है कि वो गाने का शुरुआत कर लिया है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। आप टेंशन मत लेना, बहुत ज्यादा कह दिया बिकॉज उनका फोन में ही मेरा लग गया था। ही वांट्स टू लिसन फॉर मी व्हाट ही वांट्स टू लिसन, उसको लगा। आई थिंक हां जी हां जी सर, आपको कहां ना। ओके सर, Thank you.
सो फुला दे नाल स्वागत कर रहे हैं मोहन लाल सेठी जी, डॉक्टर हरजोत कमल जी, डॉक्टर सीमानगढ़ विजय शर्मा जी, विनय शर्मा जी, परमजीत सिंह जी, गेल नेतन बराड जी, सो जोरदार तालियां दे नाल भी एक बार फिर तो स्वागत करो साडे चीफ मिनिस्टर साहब का। ये बात अजीबो गरीब कैफियत है, खुशनुमा माहौल भी है, लेकिन मूड ऐसा बन गया है कि मुझे तो होश नहीं। आप मशवरा दीजिए कहां से छेड़ू फसाना, कहां तमाम करूं। सीएम साहब कहना पड़ेगा नहीं अब के बाद टोटे टोटे हो गया, वो गाना वही रह गया। अब मेरे ख्याल में आया बैठे बैठे ताडे पे पेश करता तत्ता तत्ता ही है, हूं ही आया। कमल को वोट तो पा दो यार, कहते फिरोगे वरना यार। आपा वर्कर है ना अदनी जाए, ए रीढ़ की हड्डी आ पंजाबियों नू, ए कहना इस हलके नू, कहना फरीदकोट नू की कहना। कमल को वोट तो पा दो यार, कहते फिरोगे वरना यार। कमल को वोट तो पा दो यार, कहते फिरोगे वरना यार। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। राम को युद्ध आले आए यार, नाम की धुन है चारों तरफ। राम को युद्ध आले आए यार, राम नाम की धुन है यार। मोदी दिल में खो गया, ओ मोदी मोदी हो गया। राम 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 नाम मन खो गया, वो मोदी मोदी हो गया। एक होर नहीं, एक कहना नचने तो पहला होका दे दो, ठीक है। एक कहना नचने तो पहला होका दे दो, कमल दे फुल नू वोटा दे दो, बीजेपी नू वोटा दे दो, बाकी पार्टियां नू नोटा दे दो, फिर देना 121 रुमा, ओनू दिल भी देंगे, ओनू दिल भी देंगे। साहेब जिस दिन पहले दिन में आया तो मुझे ऐसे लगा कि भूने हुए दाने और बंजर जमीन में मैं तो नहीं आ गया, लेकिन ये इनका आशीर्वाद है, मुझे मोहब्बत की कंबली में ऐसा ओढ़ लिया, एक प्यार की ऐसी जफ़ी डाली कि डे बाय डे मेरा हौसला बढ़ता गया। तो पत्रकार कहने लगे, जब मैं एंटर हुआ, पहले मोगे में ही आया था धर्मकोट से होता हुआ, तो कहने लगे सिली सिली हवा तो नहीं आएगी। मैं कह नहीं, हवा केड़ी आएगी, जरा गौर ना सुन लो।
ये जो ठंडी ठंडी आती है हवा कमल वाला फुल खिड़ेगा ओ माल बेच फुल खिड़ेगा ये जो ठंडी ठंडी ये जो ठंडी ठंडी ये जो ठंडी ठंडी खुल के मार लो और मैं सियाणा सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि चुनाव की महापर्व भी चल रहा है और साथ में आप लोग आज हमारे सभा इमरजेंसी था। पंजाब में एक दौर था जब यहाँ में काफी कुछ हो रहा था, उस समय हमारे देश का उत्तर पूछी कि तुम्हारा पहला जिम्मेदारी है पंजाब का युवाओं को ड्रग्स से मुक्त करना है और पंजाब में कोई हालत में ड्रग्स नहीं आना सकता। दैट्स काइंड ऑफ कमिटमेंट। हमारे जो कमिटमेंट है अगेंस्ट ड्रग्स, हमारे कमिटमेंट इज ऑन दैट लेवल। टुडे वी आर फेसिंग लिटिगेशन इन सुप्रीम कोर्ट कि 200 लोग कैसे एनकाउंटर हुए हमारे, लेकिन उसमें हम गर्व करता है कि भाई हमने युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कुछ किया। और आज मैंने आसाम पुलिस को निर्देश करके रखा हूं कि जब ड्रग्स का बात आते हैं उसको पूछना जरूरी नहीं है, तुम्हारा पास जो भी तुम करो कर लो, हमसे कोई परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, ड्रग्स हमारे बीच में आना नहीं सकता। दैट इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट। जब मैं पंजाब का बात, पंजाब की जीरो टॉलरेंस होना पड़ेगा तभी प्रदेश को हम ड्रग्स से मुक्त कर पाऊंगा। मेरा निवेदन होगा कि हम इस चुनाव में तो मोदी जी को वोट करूंगा प्रधानमंत्री बनाने का, बट हमारा लक्ष्य होना चाहिए पंजाब में डबल इंजन सरकार बनाना और पंजाब में बीजेपी का सरकार बनाना और पंजाब को ड्रग्स से हमें कंप्लीटली मुक्त करना है। ये हमारा एजेंडा में हमेशा रहना चाहिए। जब हम लोग वेलकम करने के लिए खड़ा होते हैं, ये पंजाब का शौर्य का साथ, पंजाब का इमेज का साथ ये नहीं जानते। हो सकता है ये पार्टी का लीडर है, हो सकता है अरविंद केजरीवाल को बेल मिला हुआ है, बट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इज ऑक्यूपाइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ही इज द लीडर ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। ही कैनॉट गो टू द तिहाड़ जेल टू वेलकम ए पर्सन हु हैज बीन एनलार्ज इन बेल, हु हैज बीन सस्पेक्ट इन एक्साइज कैंप। अब तिहाड़ तक जाएगा, घर में सलाह जाओ, दो एक मिनट बात करके सलाह, दैट्स गुड। बट मैं आसाम का मुख्यमंत्री हूं, आई कैनॉट गो टू उत्तर प्रदेश जस्ट टू रिसीव ए पर्सन हु इज इन जेल। मैं कोई संत महात्मा को वेलकम करने के लिए जा सकता हूं, बट एक व्यक्ति को अगर मैं तिहाड़ जेल में रिसीव करने जाऊं, नेक्स्ट दिन जब मैं गुवाहाटी पहुंचूंगा आई हैव टू रिजाइन, बिकॉज इससे हमारा असम का लोगों का अस्मिता का साथ, हमारे जो गौरव है वो गौरव का साथ खिलवाड़ होते हैं। आप लोगों का पैसेंस बहुत है, आप लोगों ने भगवान मान को नहीं बोला रिजाइन, डिसाइपल ये काम कर सकते हैं। नोबडी कैन डू दैट अगर आप सच्चा डिसाइपल है। प्रधानमंत्री अलग बात है, लेकिन एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब मेरा प्रदेश में आएगा, आई एम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। गिल साहब है, प्रोटोकॉल का बारे में गिल साहब जानते हैं। मैं असम में कैबिनेट मिनिस्टर भी आएगा, आई एम द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। मैं नहीं जाऊंगा एयरपोर्ट में रिसीव करने, बिकॉज आई रिप्रेजेंट
3 crore Assamese people. Pradhanmantri, Rashtrapati, Upraashtrapati, alag baat hai. Kejriwal ji jab aate hai, he is also a chief minister of state. You deal with him equality, with due respect. But you cannot subject yourself to another chief minister. Ye state ke liye jo state desh ko rasta dikhata hai, jo state ka ek bahut bada lambi sacrifice ka balidan ka itihas hai, the chief minister of that state cannot surrender his authority before another chief minister. Nahi ho sakta hai. Main jitna bhi bada hu, lekin jab Punjab mein mera party ka chief minister banega, main unka ghar mein jaunga. He cannot come to airport to receive me. He cannot come. Agar mujhko bulaya bhi jayega, main haath jod karke bolunga, bhai mat aaiye. Aapka koi mantri bhej dijiye, that will be my respect. Integral part hai Punjab ka ek. Main yahi bolunga ki Punjab ka hi santan hai. सूफी मूवमेंट का एक बहुत बड़ा लीडर है और एक भाई सारा का एक बहुत बड़ा सिंबल है हंसराज हंस जी. तो मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा कि इस चुनाव में फरीदकोट से आप पद्मश्री हंसराज हंस जी को जिताइए, एक नया शुरुआत का मौका दीजिए. और मैं यही एक बात मानता हूं कि किसानों का खुशहाली हो, पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, पंजाब गवर्नमेंट को डेट ट्रैप से बाहर निकालना है और हमारे पूरा जो एक पंजाब का लंबा इतिहास रहा इसको आगे बढ़वाने में नरेंद्र मोदी जी को एक बार मौका मिलता है. मैं आपको बोल सकता हूं 3 साल का अंदर हम लोग एक नया पंजाब देखने मिलूंगा. जो पंजाब हमारे सपना में है वही सपना मोदी जी हमारे लिए साकार करेगा. आपने 2 साल सब बोलने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद देता हूँ. गुरु तेग बहादुर जी धुबरी में आए थे, अच्छा गुरुद्वारा है, कभी आप लोगों को मौका मिलने से धुबरी गुरुद्वारा में आइए. मैं ही आपको निमंत्रण करते हुए मैं मेरा वाणी का विराम देता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. राहुल गर्ग जी का, विकीश तारा जी का, सारे ही वीरां नूं बेनती है इत्थे खाना तुसीं आपदा जिहड़ा हैगा उह खा के जाणा है. आगे पुराने वाले का भी धन्यवाद, निहाल सिंह वाले का भी धन्यवाद, सारे ही फरीदकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी का बहुत बहुत धन्यवाद. भारतीय जनता पार्टी सारे ही वीरां दा धन्नवाद, सारे ही पार्टी वर्करां दा बहुत दिलों धन्नवाद.